राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल दीक्षा आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इस तरह के फ्लावर पैटर्न वाले इयररिंग्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फ्लावर बनाया है जिसमें मैंने 5 लीफ बनाई है। 1, 2, 3, 4 और 5 लीफ बनाते हुए मैंने एक फ्लावर बनाया है। उसके बीच में मैंने इस तरह के पर्ल्स लगाए हैं और इयररिंग हुक लगाए हैं और काफी सुंदर इयररिंग्स बनाए हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हम किस तरह से ये इयररिंग्स बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इयररिंग्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले एक क्रोशिया चाहिए। 5 नंबर का हम क्रोशिया ले लेंगे। इस तरह के हेयरिंग हुक्स चाहिए 2। एक एंकर थ्रेड चाहिए, मैंने येलो कलर की एंकर थ्रेड ली है, इससे हम बनाएंगे। एक हमें चाहिए सीजर। हमें ये सिर्फ 4 चीजें चाहिए, इससे हम इयररिंग्स बनाएंगे, वो भी काफी सुंदर आई। फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस फिंगर के ऊपर इस धागे को ले लेंगे और लूप बनाएंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, एक बार निकाल कर फिर एक बार इस धागे को खींच देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अब लूप बन गई। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 8 चैन हमने बना ली। फर्स्ट चैन के अंदर हमें जाना है, देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट चैन के अंदर जाना है, धागे को लेके आना है और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा होल बन गया। अब हमें क्या करना है, 1, 2, 3 और 4 तो हमने 4 चैन्स बनानी है। अब क्रोशिया के ऊपर 1 और 1 2 बार लेना है और ट्रिपल क्रोशिया करना है इस होल के अंदर। तो देखिए मैं इस तरह से धागे को लेके आएंगे, 2-2 करते हुए हम निकालेंगे इस तरह से और ये ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए मैं 1 ट्रिपल क्रोशिया मैंने बना दिया। अब हम 3 चैन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 3 चैन्स हमने बना दी। अब हम फिर 2 बार लेंगे और इसी होल के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2-2 करते हुए निकालते हैं, 2 और फिर 2। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब इसी तरह से दूसरा भी करेंगे, 2 बार क्रोशिया के ऊपर लूप लेंगे, होल के अंदर जाएंगे, लेके आएंगे धागा, 2 बार निकालेंगे, फिर 2 बार और फिर 2 बार। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से हमने तीसरा करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, लेके आएंगे, 2-2 करते हुए हम ये ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम 3 चैन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3 3 चैन हमने बना दी। अब हम फिर क्रोशिया के ऊपर 2 बार लूप लेंगे और इस होल के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 2-2 करते हुए हमें निकालना है, 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से अब हम सेकंड भी बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, 2 हो गए। फिर अब हम तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। फिर हम 3 चैन्स बनाएंगे, 1, 2, 3 3 चैन हमने बना ली। फिर हम 2 बार लेंगे और इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमें 2-2 करते हुए निकालना है, ये देखिए 2 बार हमें लूप लेनी है, होल के अंदर जाना है, लेके आना है और 2-2 करते हुए हमें ये निकाल देना है। इस तरह से अब हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं, फिर 3 चैन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 1, 2 और 3 बना ली हैं। 2 इस तरह की हम और बनाएंगे, हमें 5 बनानी है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, 1, 2, 3, 4 और 5 तो 5 बन गए। लास्ट में हमने 3 चैन ले ली हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमने एक तो 4 वाली चैन बनाई थी, 1 ट्रिपल क्रोशिया, तो 2 हो गया। अब 1 ट्रिपल क्रोशिया हमें और बनाना है, तो हम 2 बार लेंगे और इसी जगह पर 1 ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। अब हमें ये जो हमारी 4 वाली चैन है, इसकी जो 4th चैन है, इसके अंदर जाना है। देखिए फ्रेंड्स, 4th चैन के अंदर जाएंगे, धागे को लेके आएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस जगह पे अगली वाली चैन पे हमें जाना है, धागे को लेके आना है और इस तरह से सिंगल स्टिच करना है और 5 चैन्स बनानी है, 1, 2, 3, 4 और 5 5 चैन्स हमने बना ली। उसके बाद हमें देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पर जो फर्स्ट में है, इस जगह पर सिंगल स्टिच करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सिंगल स्टिच करना है। फिर हम इस जगह पे आ जाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 5 चैन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने 5 चैन्स बना ली। इस तरह से अब हम आगे इसमें आएंगे और सिंगल स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये रो कंप्लीट कर दिया और लास्ट में हमने ये 5 चैन्स बना ली हैं। अब हमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया, इसी जगह पर देखिए फ्रेंड्स, हम इसे स्लिप स्टिच लेते हुए बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बंद कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमने ये बना लिया है। अब हम इसकी ये जो ऊपर वाली जगह है,
यहाँ पर वर्क करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, एक दो, दो चैन हमने बना ली, लूप लेंगे और इस जगह पर ऊपर से उठाएंगे और पांच डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच डबल क्रोशिया हमने कर दी हैं, फिर लूप लेंगे, फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वी शेप बनती है इस जगह पर ये इस एक ट्रिपल क्रोशिया को उठाएंगे और यहां पर भी पांच डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच हमने ये कर दिए। अब फिर से हम लूप लेंगे और इधर वाली जगह पे आ जाएंगे और यहां पर भी हमने पांच डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच पांच हमने बना लिए, तो 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, एक बार लेना है और फिर दो बार लेना है। तो दो बार लेके ये जो पीछे इसके पांच वाला हमने डबल क्रोशिया किया, ये जो पीछे चैंस हैं जो हमने पांच चैंस बनाई थी, यहां पर अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो दो करते हुए निकालना है, ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, फिर से करेंगे दूसरा, फिर हम तीसरा करेंगे, दो दो और दो, देखिए फ्रेंड्स तीन हो गए, फिर से करेंगे चार और फिर से अब हम एक और करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पांच ट्रिपल क्रोशिया कर दिए, अब हम चार चैंस बनाएंगे, एक दो तीन चार, चार हमने चैंस बनाई और जो फर्स्ट चैन है इसकी ये दोनों लूप उठाते हुए सिंगल स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से कर दिया। अब हम दो बार लूप लेंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, एक बार फिर से करेंगे, दो बार फिर से करेंगे, तीन बार फिर से करेंगे, चार बार, जैसे हमने देखिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग में पांच बार किए थे, अब यहां भी हम पांच बार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच बार हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये दो देखिए फ्रेंड्स, ये दो हमारे ट्रिपल क्रोशिया इसके बीच में इस जगह के ऊपर सिंगल स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास एक इस तरह की लीफ आ गई। अब हम इसी तरह से सारी पैटर्न कंप्लीट करेंगे, हम इसी तरह से लीफ बनानी है। फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये चार पत्तियां कंप्लीट कर दी हैं। अब मैंने आपको जिस तरह से फर्स्ट लीफ बनाई बनानी बताई थी, वैसे ही मैं आपको फिफ्थ लीफ बनाना बताती हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बंद कर दिया। अब हम एक और दो, दो चैन बनाएंगे, लूप लेंगे, ये जो फ्रंट वाली चैन है इसको उठाकर इसमें डबल क्रोशिया करेंगे पांच बार, एक दो तीन चार ये पांच। देखिए फ्रेंड्स, पांच डबल क्रोशिया बना दिए, फिर लूप लेंगे, फिर इस जगह पर आएंगे, यहां पर भी पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए फ्रेंड्स, पांच बना लिए। अब पांच इस साइड हम बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच पांच करते हुए हमने इस तरह से 15 बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक और दो, दो हमने इस तरह से किया और ये पीछे वाली के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं पांच। तो एक दो तीन चार और ये पांच। तो देखिए फ्रेंड्स, पांच हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब हम एक दो तीन चार, चार चैंस बनाएंगे, लूप लेंगे, ऊपर से इस तरह से इसे उठाएंगे, लेके आएंगे और इस तरह से कली बना देंगे। फिर हमें पांच ट्रिपल क्रोशिया करने हैं, दो दो करते हुए निकालना है,
ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया, ये फिर से करेंगे दो, तीन, चार, और ये पांच। देखिए फ्रेंड्स, पांच हमने बना लिए। अब जैसे हमने यहां स्टार्टिंग किया, इसी जगह पर हम सिंगल स्टिच लेते हुए इसे यहां पर इस धागे को हम कट कर देंगे। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। मैं आपको धागा कट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने धागा कट कर दिया। इस तरह से अब हमारा ये फ्लावर रेडी है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम ये इयररिंग्स बना लिया है। इसी का रूप हम इसी की तरह सेम मैंने ये एक इयररिंग बना लिया, इसमें इयररिंग हुक भी लगा दिया है। इसी तरह से हमें ये दूसरा इयररिंग रेडी करना है। इसके लिए हम देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर रेडी है। अब हम क्या लेंगे, इस तरह की हुक लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, इसको नीचे से किस तरह से ओपन करना है। इसमें इस तरह से हम क्रोशिया को फिल करेंगे और इस तरह से इसको खोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये ओपन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये फ्लावर का ये ऊपर वाला पार्ट लेना है। इस जगह पर देखिए फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर जहाँ पे हमने ये चार वाली बनाई है चैन, इसके अंदर हमें लेना है, इसको फिल करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अब इस लूप को अटैच कर दिया। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, हम इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस फ्लावर के अंदर मोती लगाए हैं। इसे कहते हैं हम पर्ल्स भी कह सकते हैं, मोती भी कह सकते हैं, व्हाइट कलर के, आप कोई भी कलर के लगा सकते हैं। मैंने व्हाइट लगाया क्योंकि व्हाइट का हर ड्रेसेस के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस पर लगाना बताऊंगी। बहुत ही ईजी तरीके से हम लगाकर इस इयररिंग्स को काफी ट्रेंडिंग में, ये पर्स लगाकर हम इस इयरिंग को काफी ट्रेंडिंग में अच्छा बना सकते हैं और काफी ही सुंदर ग्रेस आ रही है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाएंगे। इसके लिए हमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमें सुई लेनी है। सुई के अंदर इस तरह से धागे को फिल करना है। अब आगे हमें मोती लेंगे और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरह से इयरिंग्स ले लेंगे, सुई को लेंगे, हमें सबसे पहले बीच में लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच में हमें इस तरह से इसके अंदर सुई को फिल करना है। देखिए बीचों बीच हमें इसमें फिल कर देना है। अब हमें इस सुई के अंदर इस तरह से इसके मोती को पिरो देना है और इस तरह से हम खींच लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी साइड इसे अटैच कर देंगे इस तरह से, जिससे कि ये बीच में लग जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बीच में लग गया। अब हमें इन लीफ के अंदर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यही सुई को पीछे से ले जाते हुए लीफ के अंदर लेके आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फिर हम इस सुई के अंदर मोती को पिरोएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पिरो दिया, लेके आएंगे, निकालेंगे और इसी की जगह पर दोबारा से साइड में हम इसे नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो नीचे की तरफ निकालेंगे तो इस तरह से ये हमारा इस तरह से ये लग गया है। इसी तरह से नेक्स्ट में लगाएंगे। नेक्स्ट में भी हमें क्या करना है, यहां पर सुई को निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम निकालेंगे, मोती को इसके अंदर फिल करेंगे और लेके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निकाल देंगे और बीच में इस तरह से बीच में इस जगह पर ले जाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारे ये दो लग गए। इसी तरह से अब हम ये बाकी तीन लीफ के अंदर भी पर्ल्स लगा लेते हैं और रेडी कर लेते हैं इयररिंग्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैंने इस पे मोती अटैच कर दिया और पीछे से धागे को कट कर दिया है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये मोती वाले इयररिंग्स रेडी हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर बनाया है, पांच लीफ बनाई है, पांचों के अंदर मैंने पांच पर्ल्स लगाए हैं। और इस तरह से देखिए इयररिंग्स बनाना काफी ईजी है और काफी ही सुंदर बने हैं। अगर आपको ये इयररिंग्स अच्छे लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।